नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति और इंसान के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो मध्यस्थता से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इसके अलावा किसी और तरह की अगर कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी परेशानी आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता, कोई उपाय आपको नज़र नहीं आ रहा, तो भी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप कॉल कर सकते हैं, फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हम बात आज कर रहे हैं मध्यस्थता से जुड़े कानूनी प्रावधानों की। इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर इसके अलावा भी कोई कानूनी अड़चन आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता, कोई उपाय आपको नज़र नहीं आ रहा, तो भी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। या तो इस विषय से संबंधित भी अगर कोई प्रश्न है या फिर इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता, कोई उपाय आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो मध्यस्थता से जुड़े कानूनी प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। इस पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ इस वक्त दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से खगेंद्र शर्मा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही मनीषा चतुर्वेदी जी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत खगेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे ही करना चाहूँगा, क्या कहता है ये कानून? देखिए, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का है, उसके हिसाब से क्योंकि आजकल केसेस में डिले बहुत होती है, तो डिले को कट शॉर्ट करने के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट लाया गया था, सो एज टू सर्व द पीपल ऑफ दिस कंट्री और वो अननेसेसरी डिले से बच सकें। और इसमें जो पार्टीज जो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट हैं वो खुद ही तय करते हैं, जिससे कि कोर्ट में बार बार चक्कर ना लगाने पड़े लिटिगेंट्स को। तो इसी उद्देश्य के साथ कि डिले ना हो और जल्दी न्याय मिले, और इसमें जो कानूनी दांव पेच होते हैं या फिर कह लीजिए कोर्ट का एक्सपेंस होता है आने जाने में, वो बहुत ही कम होता है। इसके सबसे बड़े फायदे तो यही हैं, एक गरीब से गरीब आदमी भी एक प्लेटफॉर्म होता है उस पर बैठ करके दोनों टर्म्स ऑफ सेटलमेंट सेटल कर सकते हैं, एंड वो क्या होता है कि दोनों पार्टी एग्रीबल होते हैं कि टर्म्स ऑफ सेटलमेंट या जो प्रोसीजर है वो कैसे कैसे होगा। तो इसमें बेसिकली कंसेप्ट है कि आर्बिट्रेटर जो होता है आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में, उसको अपॉइंट किया जाता है और वह दोनों पक्षों को सुनता है, इधर भी सुनेगा और दोनों की जो बातें हैं अब वो कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, ना इनको इसका पता ना इनको इनका पता। तो ये बेटर ऑप्शन होता है आर्बिट्रेशन, एक तो डिले से बचने के लिए, दूसरा जो एक्सपेंसेस हैं लीगल उनसे बचने के लिए, और जो मेंटल एगोनी होती है लोगों को साल दर साल लड़ते रहते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेशन एक्ट जो है, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है सपोज करिए, तो उसमें या तो एक क्लॉज डाल दें या एक सेपरेट एग्रीमेंट करें, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज दे कैन रेफर टू द आर्बिट्रेटर जी। सो इसमें मैं स्पेसिफिकली और बोलूं, सेक्शन 8 है ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का, उसमें यदि आपका जो एग्रीमेंट हुआ है जी सामने वाले के साथ, दूसरी पार्टी के साथ, अपोजिट पार्टी के साथ जी, और मैटर जो है कोर्ट में पहुंच जाता है, तो सिंपली वहां पे सेक्शन 8 में एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि दैट मैटर नीड्स टू बी सेंड टू द आर्बिट्रेटर सो एज टू सॉल्व द डिस्प्यूट जी।
चलिए बिल्कुल, हम बारीकी से इस विषय के बारे में और भी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों से भी बार बार हम अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, क्या बेहतर कानूनी रास्ता हो सकता है, इसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मनीषा जी, मैं आपके पास आऊँगा, यानी कि ये कह सकते हैं कि किसी विवाद के समाधान को लेकर कुछ ऐसी विधियाँ जो कानूनी मुकदमे की तुलना में कई प्रकार से फ़ायदेमंद साबित होती हैं, और किस तरह के फ़ायदे होते हैं इस तरह से विवाद निपटाने में? जी देखिए, आर्बिट्रेशन एक्ट में कई तरीके के फायदे हैं, जैसा कि अभी मेरे साहब वकील साहब ने ये बात बताई कि इसमें मेंटल एगनी तो बिल्कुल है कि हाँ, लोगों की बहुत ही कट शॉर्ट हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो आर्बिट्रेशन एक्ट को बनाया गया, इसका पूरा पर्पज ही ये था कि ये जो कोर्ट में लिटिगेशन होते हैं, ये कभी भी ये लिटिगेशन ऐसा नहीं है कि एक महीने, दो महीने, तीन महीने में ये निपट जाए, इनको कम्पीट होने में साल भर, दो साल, चार साल, पांच साल, इनफैक्ट कई ऐसे केसेस भी हैं जो 20-25 साल से भी पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये इस इन तरह की पेंडेंसीज में लोगों को दो कई सारी चीजें होती हैं, जुडिशरी से भी फेट उठता है, प्लस बहुत से लोग हैं जो इसकी पैरवी भी छोड़ देते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी समस्याएं आ रही थी, इन सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आर्बिट्रेशन एक्ट का इजाद किया गया, ताकि दो लोग आपस में अगर किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या किसी भी तरीके का कोई अग्रीमेंट हो, इन हर चीजों में वो दो पार्टीज एक दूसरे से बात करती है कि अगर हमारे बीच में कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज करेगा तो हम उसको इस तरीके से आप एक आर्बिट्रेशन की मदद से जो है इसको हम सॉल्व कर चलेंगे। तो ये पर्पस जो है आपका आर्बिट्रेशन एक्ट का एक बहुत ही बेहतर पर्पस है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव और स्पीडी रेजोल्यूशन देता है टू द डिस्प्यूट। और जनरली जो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन एक्ट जिसपे प्रोवाइड करता है, फोकस करता है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आए दिन बिजनेस वगैरह में जो पार्टीज होती हैं उनमें डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, डिस्प्यूट मे बी विथ रिस्पेक्ट टू द डिलीवरी, मे बी विथ रिस्पेक्ट टू द कॉस्टिंग, इस टाइप की बहुत तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं। अब अगर एक बिजनेसमैन को अपने इस तरीके के हजार बिजनेस डील्स के लिए हर बार कोर्ट में जाना पड़े अलग अलग मैटर्स के लिए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो आदमी तो फिर लिटिगेशन एक्सपेंस से भी डूब जाएगा, उसका समय भी लॉस होगा। तो वो फिर यही होगा कि या तो वो बिजनेस में लॉस सहे या तो फिर वो जुडिशरी में काफी टाइम तक हो जाए। तो इस वजह से ये एक अलग से जो प्लेटफॉर्म आया, इट इज आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, यानी इस तरह के विवादों के निपटारे के लिए ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसका बेहतर इस्तेमाल हो भी रहा है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका प्रश्न पहले ले लेते हैं। लखनऊ से ओसामा अजीज साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि क्या कोई एक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जा सकता है? ठीक है, खगेंद्र शर्मा जी, ये क्या प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जा सकता है, ये सवाल मैं समझा नहीं इनका, एक बार प्रश्न अपना फिर दोहरा दें ओसामा जी। स्टेट एक्यूज, जो स्टेट ही एक्यूज बनाती है और स्टेट ही प्रोसिक्यूशन अपॉइंट करता है, तो क्या कोई एक्यूज्ड प्रोसिक्यूशन अपॉइंट कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ? ठीक है, खगेंद्र शर्मा जी, देखिए स्टेट केस में प्रोसिक्यूशन पिक्चर में आ जाता है, उसमें गवर्नमेंट काउंसिल भी होते हैं और आजकल तो लीगल एड चल रहा है, ये जो लोक अदालतें हैं इनमें काफ़ी मैटर सॉल्व हो रहे हैं, हर दो तीन महीने के गैप पे वो लोक अदालत लगती हैं, उनमें काफ़ी तरह के मैटर जो होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं और अकॉर्डिंगली दे आर विदड्रॉन। अब जहाँ तक रही अक्यूज की बात, अब अक्यूज में प्रोसिक्यूशन तो आएगा नहीं, अक्यूज का केस या तो कोई प्राइवेट लॉयर उसको कंटेस्ट करेगा या उसको प्रोसिक्यूट करेगा। तो आप यदि अक्यूज़ हैं किसी केस में, तो आप एक एप्लीकेशन लगा करके, यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में इस तरह का क्लॉज है जिसमें आपने एंटर किया हो कि भाई वो डिस्प्यूट होगा तो हम जो है आर्बिट्रेटर में चले जाएंगे आर्बिट्रेशन में, तो आप उसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं सिंपली सेक्शन 8 में ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996। और यदि मैं और आगे भी जाना चाहता हूँ इसमें जी, कि मान लीजिए जैसे हम लोग करते हैं कि कमर्शियल आपने लोन लिया है और वो तमाम तरह के मुकदमे डाल देते हैं या सेक्शन 138 डाल देते हैं जी, या सेक्शन 9 डाल देते हैं किसी व्हीकल को इम्पाउंड करने के लिए, जो मैक्सिमम होता है क्योंकि कोई ना कोई नेसेसरी होती है तो हम लोन लेते हैं, तो उस केस में आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के, मतलब ट्रायल शुरू होने से पहले ही आप जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं या जज साहब हैं
उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं सेटल करना चाहता हूं और इसे आप या तो मेडिसिन भेज दें या कैंसिलेशन करवा दें या हम लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं सेक्शन 89 सीबीसी व्हिच स्पेसिफिकली सेज, तो उस केस में आप बाय वे ऑफ एप्लीकेशन मैटर को रेफर करवा लें, उसमें ट्रायल में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। एक और कॉलर दिल्ली से हेमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेमा जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि कोई भी इंसान किसी के लिए झूठी झूठी कंप्लेन करता हो थाने में जी, हाँ उसका जैसे हम लोग जवाब दे रहे हो और हमारे पास सबूत भी हो, वो इंसान खुद गलत है, तो हम कंप्लेन कर करके उसके खिलाफ में एफआईआर कैसे लिखवा सकते हैं? मनीषा चतुर्वेदी जी क्या सलाह देंगी? जी देखिए, पहले तो आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन ऑलरेडी लॉज कर दी है थाने में, तो आप इनफैक्ट ऑफ क्रॉस लॉजिंग ऑफ एन एफआईआर, पहला आपके लिए बेस्ट है कि आप डिफेंसिव मोड में आए और उस चीज को पहले आप डिफेंस करें। अगर उन्होंने फॉल्स कंप्लेन मूव की है तो आप उन एविडेंसेस के बतौर पे आप हाईकोर्ट में अप्रोच कर सकती हैं कि ये सारे एविडेंसेस हैं और ये इनके जो भी कंप्लेन्स हैं वो मेरे खिलाफ गलत हैं, लिहाजा आप मुझे अरेस्ट स्टे प्रोवाइड करें या इस चीज में कोर्ट इंटरफेयर करें, ठीक है? और जहां आपने बोला कि आपके पास सबूत है और आप वो गलत हैं, आपको गलत फंसाया जा रहा है, तो ये चीजें जब कोर्ट को खुद समझ में आती है आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दैट ट्रायल, आप उनके ऊपर डिफेमेशन या इस तरीके से हैरेसमेंट वगैरह के लिए, मेंटल एग्नी के लिए आप दो अलग अलग फोरम्स में अप्रोच कर सकती हैं। डिफेमेशन के लिए आपको एफआईआर लॉन्च करनी होगी और मेंटल एग्नी और कॉम्पेंसेशन के लिए आपको सूट फाइल करने होंगे। बट आई वुड एडवाइज कि आप सबसे पहले ये जो आपके ऊपर मुकदमा, यानी अगर किसी ने कंप्लेन या एफआईआर लॉन्च की है तो आप उसको डिफेंड करें, अदरवाइज आप बहुत सीरियस लीगल इम्प्लीकेशन में पड़ जाएंगे। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं हेमा जी जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी दिक्कत, कोई कानूनी अड़चन आपके सामने चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका बेहतर कानूनी विकल्प क्या हो सकता है इसका जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो मध्यस्थता से जुड़े कानूनी प्रावधानों से संबंधित है, इससे जुड़ा भी कोई प्रश्न है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। खगेंद्र शर्मा जी, जैसा कि अभी मनीषा चतुर्वेदी जी बता रही थी कि कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अगर जैसा उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यापारी को लिया कि व्यापार को नुकसान होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे जाते हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि इस तरह की जो विधि है ये न्यायालय में मुकदमे की तुलना में कम महंगी भी होती है और इसमें समय का भी काफ़ी बचाव होता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव था और पर्पस था आर्बिट्रेशन एक्ट लगाने का वो यही था कि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको इंसाफ या न्याय मिले और टाइम भी मिले। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड एक कहावत कहते हैं जी। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जैसे हम लोग बहुत सारे केसेस करते हैं, मैं कमर्शियल मैटर में मान लीजिए मैं 138 जो चेक वाले केसेस होते हैं उनका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब अक्यूज को नोटिस जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये केस है चेक का और आप हाजिर होइए, तो उस केस में क्या होता है कि इवन ट्रायल शुरू होने से पहले ही आप ये कोर्ट में मेंशन कर सकते हैं कि भाई अनलेस यू हैव नॉट चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द चेक विच हैज बीन कम टू द कंप्लेनेंट, ओके। यदि आपको गलत फंसाया जा रहा है तो आप इनको उस केस में कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इफ द डॉक्यूमेंट्स आर जेन्युइन तो उस केस में आप सिंपली वो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुकदमा शुरू करने से पहले ही आपका मुकदमा वो खत्म हो जाएगा जी, और जो आपने पेमेंट दिया है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है जी। और दूसरा है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहा हूँ, जहाँ तक चेक वाले केसों की बात है, अभी ऑर्डिनेंस आया था 138 में, लिटिगेंट्स की दिक्कत को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जहाँ पे कंप्लेनेंट का जो अकाउंट है वहीं में वो चेक डलेगा। इसलिए पहले क्या होता था, चेक कहीं से इशू हुआ, लीगल नोटिस कहीं से चला गया, तो बहुत सारी चीजें थी जिन पे हम केस डाल सकते थे जी। तो मेरे हिसाब से ये जो है, जो भी आपके पास आपके अगेंस्ट कमर्शियल प्रोसीजिंग चल रही है या सिविल प्रोसीजिंग चल रही है या रिकवरी सूट चल रहा है या जो भी कानूनी प्रोसीजिंग चल रहे हैं, तो उसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्मार्टली आप उसको यूज कर सकते हैं जेन्युइनली। चलिए एक कॉलर और हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं, दीप सिंह। दीप जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी, हाँ
दीप जी अपना सवाल कीजिए। किसी के ऊपर डोरी के एक्ट के जितने भी मुकदमे होते हैं जी, भैया मैं जानना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के ऊपर दहेज प्रथा घरेलू हिंसा के जितने भी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, दीप जी आप अपना सवाल पूरा कीजिए। अच्छा जी, तो उनके खिलाफ मेरे पास उनके खिलाफ उन मुकदमों के खिलाफ सारे सारे सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन अगर कोर्ट में जाता हूँ तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप बेल कराइए, 400 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में बेल कैसे कराई जाए, कैसे संभव है। मनीषा चतुर्वेदी जी क्या कर सकते हैं, इनका सवाल यह है कि अगर किसी ने झूठे डाउरी केस में फंसा दिया है, इनके पास तमाम एविडेंस भी मौजूद हैं, उन परिस्थिति में ये क्या करें, क्या बेल कराना पहले जरूरी होगा? जी, जैसा कि इनके सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी कोर्ट अप्रोच कर चुके हैं और हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया है बेल करवाने का। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में क्योंकि ये डायरेक्शन है और आपको बेल लेना ही पड़ेगा, और जैसा आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे सबूत हैं, वो सबूत पहले तो आपको बेल लेने में आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात, जो ये सबूत है इन सबूत के बेसिस पे ट्रायल होता है, ठीक है, और ये जो ट्रायल का जो पावर है वो फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टेंस जो है लोअर कोर्ट होती है, जो कचहरी होती है, और उसके बाद ही फिर हाईकोर्ट को ही पावर है कि वो ये देख सके कि क्या ट्रायल सही तरीके से कंक्लूड हुई है या नहीं। इस थोड़े से बंधे हुए ज्यूरिडिक्शन की वजह से कोर्ट किसी भी मैटर्स में बहुत डीप में जाकर के उनके सारे एविडेंसेस को इवैल्यूएट नहीं करती, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे ग्राउंड्स होते हैं, अगर वो ग्राउंड्स अगर आप सेटिस्फाई कर ले जाते हैं तो कोर्ट इंटरफेरेंस देती है, तब वो जरूरी नहीं है कि कोर्ट आपको बेल के लिए डायरेक्शन करे। उस परिस्थिति में कोर्ट आपको फिर, जैसे अभी हम आर्बिट्रेशन पे बात कर रहे हैं, उसी तरीके से एक मीडिएशन फोरम होता है, तो यहाँ से हाईकोर्ट आपको मीडिएशन के लिए भी डायरेक्शन दे सकती है, क्योंकि घरेलू हिंसा है तो ये आपस में परिवार का ही मैटर होता है जो लीगल कॉम्प्लिकेशन के रूप में भर के आता है। तो कोर्ट आपको ये भी डायरेक्शन कर सकती है कि आप मीडिएशन में आए और आपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें। और तीसरा ऑप्शन कोर्ट का ये भी रहता है कि अगर ये घरेलू हिंसा के मुकदमे हुए, कोर्ट को लग रहा है कि हाँ प्राइमा फेसाए, यानी सामने देख करके लग रहा है कि ये जो भी एलिगेशन लगे हैं वो झूठे हैं, तो कोर्ट ये कह सकती है कि जब तक इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से ना हो जाए तब तक के लिए जो अक्यूज्ड है उनको अरेस्ट ना किया जाए। तो ये तीन तरीके के पावर्स हैं जो कोर्ट इन्वोक कर सकती है और डायरेक्शंस दे सकती है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं दीप सिंह जी, जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील करते हैं कि ये लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप किसी भी तरह की कानूनी सलाह अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हम बात आज आर्बिट्रेशन की कर रहे हैं, एक वैकल्पिक विवाद समाधान। खगेंद्र शर्मा जी, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है, इस तरह के विवादों का जो निपटारा होता है आर्बिट्रेशन के जरिए, इसकी मान्यता कितनी होती है? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखिए, आर्बिट्रेशन एक्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन है। जहाँ तक हम कंसीलिएशन की बात करें, दे आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर सो फार एज द कंसीलिएशन आर कंसर्न और इज कंसर्न। लेकिन आर्बिट्रेशन में मान लीजिए कोई केस चल रहा है आर्बिट्रेटर के पास, वो क्लेम ऑफ डिफेंस फाइल करते हैं, क्लेम फाइल करते हैं, तो उस केस में जो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो डिसाइड करेगा, उसकी यदि सीपीसी की मैं बात करूं, वो वैसे ही होगी जैसे कोर्ट की डिक्री होती है। और यदि मैं मीडिएशन की बात करूं जी, तो मीडिएशन की वैल्यू भी उतनी ही होती है जितनी कोर्ट की डिक्री होती है। यू कैन एनफोर्स इट एज इफ इट इज ए डिक्री पास बाय ए सिविल कोर्ट, एक चीज। और जहां तक मैं क्रिमिनल में बात करूं जी, सपोज करिए ये 138 केसेस बहुत आ रहे हैं, इसमें जो इफेक्ट ऑफ मीडिएशन होता है वो ये होता है कि अक्यूज्ड इज एक्विटेड ऑफ ऑल द चार्जेस इन द प्रेजेंट केस। तो 138 के चार्जेस से वो बरी हो जाएगा जी, और उसने जब भी पहले भी बेल बॉन्ड या इस तरह के कुछ भी कानूनी प्रक्रिया में भाग लिया हो या भरे हो, वो सब कैंसिल कर दिए जाएंगे। सो यू हैव नथिंग टू डू आफ्टर द मैटर इज सेटल, और जो जिसने केस किया है वो उस केस को विदड्रॉ करेगा एज पर लॉ, और वो आपके अगेंस्ट ये नहीं कह सकता आगे कि देखो जी इन्होंने ऐसा कर दिया तो मैं दोबारा केस चलाऊंगा, वो दोबारा उस केस को चला ही नहीं सकता। ही कैन नॉट रिवाइव द केस वंस इट इज सेटल्ड। तो जुडिशियल सैंक्टिटी भी इसकी है आर्बिट्रेशन एक्ट में जी। जो आर्बिट्रेटर जो लिख के आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करेंगे
और वो उसकी सिविल डिक्री की तरह उसकी वैल्यू होती है। मनीषा चतुर्वेदी जी, मध्यस्थित की भूमिका में कौन हो सकते हैं? क्या लीगल फेटर्निटी से जुड़े लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं या फिर किस कोई और भी हो सकता है मध्यस्थ की भूमिका में? जी देखिए, उसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर्स की भूमिका में ये जो आर्बिट्रेटर एक्ट है उसने बहुत प्लेन लैंग्वेज यूज करी है कि एनी पर्सन में वो लीगल फैटर्निटी से भी आ सकता है, वो एक नॉर्मल हम आप जैसा इंसान भी हो सकता है, लेकिन उस इसी साथ में एक ट्रांसपेरेंसी को कंटिन्यू बरकरार रखने के लिए उस एक्ट में ये वर्ड्स भी यूज हुए हैं कि जो भी आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे वो दो जो भी अग्रीव पार्टीज हैं वो आपस में बात समझ करके एक किसी भी ऐसे इंसान को आर्बिट्रेटर रखेंगे जिसमें दोनों को विश्वास हो। बस ये डेफिनेशन है आर्बिट्रेटर की, एक विश्वास पात्र आदमी। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि अब ये जो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, विश्वास पात्रता उसकी और बढ़ती है क्योंकि इस एक्ट में दिया है कि वो आदमी आर्बिट्रेटर बाउंड है ये चीज पार्टीज को डिस्क्लोज करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी ए या किसी बी के लिए इंटरेस्टेड है। तो इस वजह से जो इन शॉर्ट अगर मैं एक ही शब्द में बयान करूं तो आर्बिट्रेटर एक विश्वास पात्र आदमी है जो दोनों पार्टीज के आपस के मीटिंग ऑफ माइंड से एक कॉमन एक्सेप्टेंस से आप उनको अपॉइंट कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, खगेंद्र शर्मा जी, कार्यक्रम के समापन का वक्त है लेकिन चलते चलते संक्षेप में आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि इस तरह के विवादों का अगर निपटारा जैसे होता है कि अगर मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का निपटारा हो गया उसके बाद फिर अगर विवाद की स्थिति होती है तो क्या कोर्ट की शरण ले सकते हैं फिर? देखिए, जब मध्यस्थता एक बार हो गई और पार्टीज ने आपस में ये एग्री कर लिया कि भाई वी आर एग्री, जो भी हम लोग कंसेंसुअल कर रहे हैं तो उसमें फिर तो कंसेंट डिक्री हो गई एक तरह से। जब कंसेंट डिक्री हो गई तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इफ ए डिक्री इज पास्ड और अवार्ड इज पास्ड बिफोर द आर्बिट्रेटर और बिफोर द कोर्ट बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, इट इज ऑल्सो ए डिक्री विच इज सेड टू बी कंसेंट डिक्री। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खगेंद्र शर्मा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। मनीषा चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी और जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब उन तक पहुंचाया। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोज हम आपके सामने मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।